और जो मैनेजमेंट जो है वो बड़े अहले तरीके से अच्छा काम करे, ताकि लोगों को नमाज़ अदा करने में किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, लोग नमाज जो है अपने अच्छे तरीके से अदा कर सकें और पूरे अहले मुल्क के लिए जो है दुआएं नेक मांगें। पहले से आपको हर चीज़ बदलाव कुछ लग रहा है रियासत में, जैसे तामीर में तरक्की है या बाकी चीज़ें? देखिए तारिक साहब, जब से ये सरकार आई है ये सबको पता है, ये आज वो ज़माना नहीं है कि कोई चीज़ छुपी हुई है, सब लोगों को पता है कि आज जब से हमारे ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी आए हैं कितना ही बदलाव इस मुल्क में आया है। ख़ासकर मैं अपनी J&K यूटी की बात करूं, जो पहले हालात थे हमारे, कितने नौजवान बेचारे जो शहीद हो गए, तो जब से ये आए हैं तब से कोई वारदात ऐसा नहीं हो रहा है, कोई हालात कहीं ऐसे ख़राब नहीं नज़र आ रहे हैं, बल्कि तरक्की और डेवलपमेंट की तरफ से ये तरफ जा रहे हैं। आप देखिए कितनी हज़ार स्कीमें जो हैं इन ऑनरेबल मोदी जी ने यहाँ लॉन्च की हैं, लोग उसका फ़ायदा ले रहे हैं, ख़ासकर मेडिकल साइड हो, एजुकेशन साइड हो और डेवलपमेंट साइड हो। आप देखिए कितनी टनल्स जो हैं वो उन्होंने खोल दी, जो जोजीला टनल हो, बनहाल की टनल हो, नासरी की टनल हो, वो सारा जो है डेवलपमेंट ही हो रहा है और डेवलपमेंट की तरफ ही मुल्क जा रहा है। सर, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं हरजीत सिंह ड्यूक, प्रेसिडेंट सिख माइनॉरिटी फॉर्म, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी, डिस्ट्रिक्ट बारामूला। हरजीत जी, जो माह रमजान इख्तिताम पजीर हुआ है, तो आपको लगता है कि अच्छी तरह से इख्तिताम पजीर हुआ है? वेल तारिक साहब, सबसे पहले मैं आपका अपने तरफ से मीडिया का शुक्रिया करता हूं कि आप आए, आपने हमारा यहां आके इंटरव्यू लिया। जो माह रमज़ान, जो ये मुबारक का महीना समझा जाता है, अल्लाह ताला ने इस पे बहुत बड़ी कृपा की है तमाम लोगों पे, कि ये जो माह मुबारक का महीना है बड़े अच्छे तरीके से गुज़रा। और मैं अपनी तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया करता हूँ कि इस माह मुबारक के महीने में उन्होंने हर चीज़ मुहैया रखी और हर चीज़ पर, ख़ासकर रेटों पर बड़ा कंट्रोल रहा। तो ये जो दिल से दुआ भी करता हूँ कि हमेशा जो ये महीना है अल्लाह ताला का फजल हो, ये हमेशा ये जो महीना है ये बरकतों का महीना होता है, और पूरे अहले इस्लाम जो है उसको, सबको मुबारकबाद देता हूँ इस माह मुबारक के महीने की। कल ईद उल फितर मनाई जा रही है, आपकी तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन को क्या अपील रहेगी? वेल तारिक साहब, ये ईद उल फितर, कल जो ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जा रहा है, मैं अपनी तरफ से पूरे अहले इस्लाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला करे कि ये जो ईद उल फितर का त्यौहार है ये मुल्क की खुशहाली के लिए, लोगों की खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए, ये साल जो है बड़ा अच्छा, अच्छे तरीके से खुशहाली हो, तरक्की हो, और हर जो आदमी है ख़ासकर इस ईद पे, जहाँ तक मैंने सुना है ये ईद तभी मनाई जाती है जबकि मैं अपने से ज़्यादा अपने हमसाये का पहले ख्याल रखूँगा, तभी ये जो ईद है ये ख़ासकर अपना पहले जो अपने मोहल्ले को देखना है, अपने हमसाये को देखना है, अपने दोस्त को देखना है, रिश्तेदार को देखना है, ताकि वो भी ये ईद मना सके। अगर उसके लिए, इस चीज़ के लिए, ईद के मनाने के लिए कोई ऐसा लवाजमत नहीं है, ऐसे फंड्स नहीं मना सकता है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि पहले हम उनकी मदद जाके करें, उनसे पूछें कि वो भी किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, ताकि वो भी जो अपनी ईद है बड़ी खुश और खुशहाली से मना सकें। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन को ख़ासकर ये अपील करता हूं कि इस त्यौहार पे वो हर चीज़, ख़ासकर ट्रांसपोर्ट, पानी, बिजली और जो मैनेजमेंट जो है वो बड़े अहले तरीके से अच्छा काम करे, ताकि लोगों को नमाज अदा करने में किसी